दोस्तों, हमारी इस दुनिया में वैसे तो कई पालतू जानवर पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि सबसे क्यूट पेट एनिमल कौन है, तो अधिकतर लोगों की जुबान पर बिल्लियों का ही नाम आता है। वैसे इस बात में कोई शक भी नहीं है कि ये बिल्लियां ना केवल दिखने में सुंदर और क्यूट नजर आती है, बल्कि इनका नेचर भी लोगों के साथ बेहद अच्छा होता है। यही वजह है कि हर कोई इन्हें अपने घरों में पालना भी पसंद करता है। आमतौर पर बिल्लियों के बारे में लोगों की यही राय होती है कि इनका नेचर काफी होता है और ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में कुछ बिल्लियां ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ बिल्लियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बॉबकैट। बॉबकैट को दुनिया की सबसे खतरनाक बिल्लियों में से एक माना जाता है। इसकी वजह है इन बॉबकैट का आक्रामक रवैया। दरअसल बॉबकैट हम इंसानों के बीच नहीं बल्कि जंगलों में पाई जाती है। इसे एकांत में रहना पसंद होता है और ये इतनी खतरनाक होती है कि खरगोश से लेकर चूहे और गिलहरी तक का शिकार कर लेती है। यही नहीं, कई बार तो ये इतनी आक्रामक हो जाती है कि सांप जैसे खतरनाक जानवर का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटती। इनके इसी रूप को देखते हुए कई बार इन्हें वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। बॉबकैट मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका की निवासी हैं। इनके शरीर की लंबाई तकरीबन 2 से लेकर 3.5 फीट तक, जबकि इनकी ऊंचाई 4 से 7 इंच तक होती है। वहीं इन बॉबकैट के शरीर का वजन लगभग 4 से 13 किलोग्राम के आसपास होता है। ये बॉबकैट दिखने में तो आम बिल्लियों की तरह ही होती है, लेकिन इनका खतरनाक व्यवहार इन्हें सबसे अलग बनाता है। इसके अलावा इनकी एक और खूबी है कि ये बॉबकैट करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागने में सक्षम होती है। ब्लैक फुटेड कैट। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जंगल में बड़ी बिल्लियों जैसे शेर, चीता, लेपर्ड आदि ने अपने खूंखार रवैये से अपनी दहशत बनाई हुई है। लेकिन इस बीच यहाँ रहने वाली छोटी बिल्लियां भी किसी से कम नहीं है। इन्हीं बिल्लियों में से एक है ब्लैक फुटेड कैट। ये जंगल के वो शैतान है जो मुख्य रूप से जंगल के चूहों और छोटे पक्षियों को अपना शिकार बनाने में माहिर होती है। जहाँ दूसरे शिकारी दिन के उजाले में शिकार के लिए बाहर आते हैं, तो वहीं ये ब्लैक फुटेड कैट रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए बाहर निकलती हैं। दरअसल इनके पास रात के अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख पाने की शक्ति होती है और इसके साथ ही इनके तेज तर्रार कान भी इन्हें इनके शिकार की जानकारी देते रहते हैं। आपको बता दें कि इन ब्लैक फुटेड कैट के शरीर की लंबाई आमतौर पर 1 से 2 फीट, तो वहीं इनका वजन 1.5 से 3 किलोग्राम के आसपास होता है। इन्हें ये नाम भी अपने ब्लैक फुट यानी पैरों के कारण मिला है। सियामीज कैट। मुख्य रूप से थाईलैंड से बिलोंग करने वाली इन बिल्लियों को सियामीज कैट के नाम से जाना जाता है। इनका शरीर आमतौर पर दूसरी बिल्लियों के मुकाबले कुछ हद तक लंबा और पतला पाया जाता है। वहीं इनके शरीर पर बाल भी छोटे होते हैं। सियामीज कैट के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें घरों में पालना आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी आवाज काफी तेज होती है और इसके साथ ही ये आक्रामक भी होती है, जिसके चलते कम लोग ही इन बिल्लियों के साथ अपना अच्छा रिश्ता बना पाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बिल्लियां भी बच्चों के साथ अच्छे से खेलती और उनका मनोरंजन करती हैं, लेकिन कब इनका पारा चढ़ जाए और इन्हें किस बात पर गुस्सा आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। वहीं इनकी एक और खासियत यह है कि अगर आपके घर में कोई कुत्ता भी मौजूद है तो ये उसके साथ भी दोस्ती कर लेती हैं, लेकिन इनके अंदर जलन की भावना भी कूट कूट कर भरी होती है, जिसके चलते ये आक्रामक रूप भी दिखाने में देर नहीं करती। स्फिंक्स कैट। बिल्लियों की इस प्रजाति को देखकर अक्सर ही लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसका शरीर भले ही किसी बिल्ली की तरह होता है, लेकिन इसके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते, जिसके कारण ये बेहद डरावनी दिखाई देती है। मान लीजिए अगर किसी को बिल्लियों से डर लगता है और ये अंधेरे में स्फिंक्स को देख ले, तो उसका तो डर के मारे भागना तय है। वैसे कई लोगों को इसके बाल ना होने के बावजूद भी ये बिल्ली बेहद अच्छी लगती है और वे अपने घर में इसे जगह भी देते हैं। मगर इस बीच इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इनका नाम भी खतरनाक बिल्लियों की लिस्ट में शामिल है। दरअसल ये स्फिंक्स काफी एक्टिव होती हैं और इन्हें खेलना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा ये काफी बुद्धिमान भी होती है और नई बातें सीखने में ज्यादा समय नहीं लगाती। मगर यदि आप इनका लगातार मनोरंजन करने में नाकामयाब होते हैं, तो फिर ये अपना आक्रामक रूप दिखा सकती है और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए अगर आप इन्हें घर में लाने का सोच रहे हैं, तो आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बंगाल कैट।
आप सभी ने लेपर्ड को तो देखा ही होगा। ये कैट फैमिली का एक बड़ा सदस्य होता है, लेकिन यदि आपको उसका ही एक छोटा नमूना देखना हो तो आप बंगाल कैट को देख सकते हैं। दरअसल बंगाल कैट को एक लेपर्ड और हाउस कैट का मिक्स बताया जाता है, जिसका अनुमान आप इसके शरीर को देख कर लगा सकते हैं। इन बंगाल बिल्लियों के शरीर पर एक सुंदर कोट पाया जाता है, जिसका रंग भूरे से लेकर सुनहरा दिखाई देता है। इसके साथ ही इस कोट पर किसी लेपर्ड की तरह धारियां और धब्बे भी पाए जाते हैं, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। वैसे दिखने में तो ये बिल्लियां खूबसूरत होती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पालने के बारे में मन बना रहे हैं तो इसके पहले आपको इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि इन बंगाल बिल्लियों की जरूरतें जैसे खेलना, खाना, घूमना आदि आम बिल्लियों की तुलना में अधिक होती है, और यदि इनकी इन जरूरतों का ख्याल ठीक से नहीं रखा जाता तो फिर ये एग्रेसिव हो जाती है। ऐसी स्थिति में इन्हें संभालना भी काफी मुश्किल होता है। स्कॉटिश फोल्ड कैट। आपने अब तक एक से बढ़कर एक क्यूट बिल्लियों को देखा होगा, लेकिन यकीन मानिए इन स्कॉटिश फोल्ड को देखना आपके लिए काफी अलग एक्सपीरियंस साबित होने वाला है। दरअसल ये स्कॉटिश फोल्ड एक मीडियम साइज की बिल्लियां हैं, जिनका पूरा शरीर बालों से ढका होता है। अपने इन बालों के चलते ये बिल्लियां गोल और खूबसूरत दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि इन स्कॉटिश फोल्ड के शरीर का रंग सफेद से लेकर क्रीम, नीला, लाल, सिल्वर, भूरा आदि होता है, और हर रंग में ये और भी क्यूट नजर आती हैं। इनके इस खूबसूरत शरीर को देखते हुए ही इन्हें दुनिया की सबसे सुंदर बिल्लियों में से भी एक माना जाता है। लेकिन यदि आप इनकी खूबसूरती को देख कर ये सोच रहे हैं कि ये बेहद शांत होती हैं, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि इन स्कॉटिश फोल्ड का रवैया कुछ ऐसा है कि इन्हें गुस्सा आने में ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे तो ये अपने परिवार या मालिक के साथ मस्ती करती रहती है, लेकिन अगर परिवार में ज्यादा मेंबर्स हैं तो जरूरी नहीं कि ये सबके साथ एक जैसी रहे, क्योंकि इसे कम लोगों में रहना अच्छा लगता है। इसी के चलते इसे छोटे परिवार के लिए अच्छी पालतू बिल्ली के तौर पर देखा जाता है। इजिप्शियन माओ। इजिप्शियन माओ के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि इसे सबसे दुर्लभ बिल्लियों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये कम ही देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसी बिल्ली है जिसके शरीर पर आम बिल्लियों के मुकाबले काफी अलग धारियां पाई जाती हैं, और इस कारण ही ये कई बिल्लियों के बीच में भी आसानी से पहचान में आ जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि इजिप्शियन माओ का जन्म स्थान इजिप्ट रहा है, इस कारण ही इसे स्पेशल नाम भी मिला है। ये बिल्लियां दिखने में तो खूबसूरत होती है, लेकिन जब ये बोर हो जाती हैं तो फिर जोर जोर से चिल्लाकर अपना गुस्सा बताने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर में किसी और नस्ल की बिल्ली या जानवर को लेकर आते हैं तो भी ये अपने खतरनाक रूप के दर्शन आपको करवा सकती हैं। वहीं इनकी एक खासियत ये भी है, इजिप्शियन माओ दौड़ने में काफी तेज होती हैं। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन ये सुंदर बिल्लियां लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में माहिर होते हैं। अमेरिकन वेयर हेयर। दिखने में बेहद खूबसूरत नजर आने वाली ये बिल्लियां अमेरिकन वेयर हेयर कैट के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें ये बेहतरीन नाम अपने जन्म स्थान यानी अमेरिका और अपने व्हाइट कोट से मिला है। अमेरिकन वेयर हेयर एक मीडियम साइज की बिल्ली है, जिसके पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, जो कई अलग अलग रंगों में हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बिल्लियां इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करती है। ये उनके साथ हमेशा मस्ती करना और उनका मनोरंजन करते रहना पसंद करती है, लेकिन अगर कोई इन्हें छेड़ दे या गुस्सा दिला दे तो ये अपना खतरनाक रूप दिखाने से भी पीछे नहीं हटती है। इनका ये गुस्सा इन्हें उकसाने वाले पर तो निकलता ही है, लेकिन कई बार जब इन अमेरिकन वेयर हेयर को घर में अकेला छोड़ दिया जाता है तो ये आपके फर्नीचर तक को नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। यानी अगर आप इन्हें अपने घर में पालने के बारे में मन बना रहे हैं तो पहली बात तो इन्हें आप ज्यादा देर अकेला मत छोड़िएगा, और अगर छोड़ना पड़ भी जाए तो फिर नया फर्नीचर लेने के लिए भी तैयार रहिए। सिमरिक कैट। मीडियम साइज के ये सिमरिक कैट अपने मस्कुलर लुक के लिए अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं। इनका शरीर जितना दिखने में दमदार होता है उतनी ही इनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। यही कारण है कि ये सिमरिक कैट अपनी छोटी पूंछ होने के बावजूद भी ऊंचाई से जंप मारने में माहिर होती हैं। हालांकि इन बिल्लियों को भी काफी लोग अपने घरों में पालते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन्हें संभालना इनके मालिक के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि ये काफी फ्यूरियस नेचर की होती हैं और साथ ही बेहद हाइपर एक्टिव भी होती है।
जिसके चलते इनके मालिक को हमेशा इनके साथ एक्टिव रहना पड़ता है, वरना ये चिढ़ने लग जाती हैं। इसके अलावा इन सिमरिक बिल्लियों को दूसरी बिल्लियां भी पसंद नहीं होती हैं, इसलिए ये उन्हें देखते ही गुस्सैल हो जाती हैं। यही नहीं, अगर आप भी इन बिल्लियों को गुस्सा दिला देते हैं तो फिर ये आक्रामक होने में थोड़ा भी समय नहीं लगाती हैं। आमतौर पर कनाडा से ताल्लुक रखने वाली ये बिल्लियां सफेद, काले, सिल्वर, क्रीम, भूरे आदि रंगों में पाई जाती हैं और सभी रंगों में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी इस दुनिया में पाई जाने वाली बिल्लियों की कुछ ऐसी प्रजातियां जो दिखने में भले ही सुंदर हो लेकिन जरूरत पड़ने पर बेहद खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। खैर, आपको इनमें से सबसे अच्छी बिल्ली कौन सी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।